आज का टॉपिक अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये जॉय, रिग्रेट, सोरो, सरप्राइज आदि को अभिव्यक्त करते हैं। यहाँ पे सैड को यदि रिपोर्टेड स्पीच में हुरा दिया हुआ है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट में चेंज करना है। उदाहरण के लिए, द कैप्टन सैड हुरा वी हैव वॉन द मैच। सैड को देखिए आप एक्सक्लेम्ड विद जॉय में एक्सक्लेम्ड में चेंज कर सकते हैं। हमने चेंज किया द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय। जोड़ने के लिए कनेक्टिव दैट का यूज करें। वी है, फर्स्ट पर्सन है, इसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो ये इसके अनुसार चेंज होगा, तो इसका प्लूरल हो जाएगा दे, तो यहाँ हो गया दे। हैव को हैड में बदलना है, पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा, द मैच का द मैच। यदि सेंटेंस में अलास दिया हुआ है ए एल ए एस तो इसे कैसे चेंज करना है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो में या फिर एक्सक्लेम्ड विद ग्रेफ में चेंज करते हैं सेंटेंस। देखिए, ही सेड अलास ही वाज रुइंड। एक्सक्लेम्ड विद सोरो भी लिख सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ भी लिख सकते हैं। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, जोड़ने के लिए कनेक्टिव दैट लगाएंगे। ही थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, ही लिख देंगे। वाज और वर को हेडबिन में बदला जाता है, हेडबिन में बदल दिया है और रुइंड का रुइंड आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी सेड ब्रावो, यू हैव डन वेल या यू हैव वेल डन। ब्रावो को अपालोडेड अस में चेंज किया जाता है, सेइंग लगाया जाता है, तो हमने बदल दिया सी अपालोडेड अस सेइंग, जोड़ने के लिए दैट लगाना है। यू सेकंड पर्सन है, इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं होने पर फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में से माना जाता है, हमने ही माना है। हैव को हेड में बदल दिया है, डन का डन आ गया है, वेल का वेल आ गया है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो वाट से और हाउ से स्टार्ट होते हैं। यदि वाट, ए या हाउ के बाद में यदि नाउन आ रहे हैं तो हम ग्रेट में बदलेंगे। यदि वाट, ए और हाउ के बाद में एडजेक्टिव आता है तो हमें वेरी का यूज करना है। जैसे कि वाट और ए हाउ के बाद में नाउन आने पर ग्रेट में, यानी ग्रेट का यूज करना है। वाट, ए या हाउ के बाद में एडजेक्टिव आने पर वेरी का यूज करना है। सेड को हम आवश्यकता अनुसार एक्सक्लेम्ड में, रिमार्क्ड में, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदलते हैं। आजकल यानी आधुनिक इसका तरीका है, सेड को हम एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे। शी सेड व्हाट ए फूल सी इज, तो हमें सेड को एक्सक्लेम्ड में बदलना है। शी एक्सक्लेम्ड, जोड़ने के लिए कनेक्टिव दैट लगाना है। सी थर्ड पर्सन है इसलिए सी का सी आ गया। इज आर एम को वाज होने बदलना है, सी के हिसाब से वाज आएगा, ए का ए आ गया। ग्रेट का हमने यूज कर दिया क्योंकि वाट ए के बाद में ये नाउन है, इसलिए जब नाउन हो वाट ए के बाद में तो हमें ग्रेट का यूज करना है। ग्रेट फुल, ग्रेट फुल लिख दिया। दूसरा सेंटेंस है, दिनेश सेड हाउ फास्ट सी इज वॉकिंग। दिनेश का दिनेश आ गया, हाउ से इसलिए एक्सक्लेम्ड में चेंज हो गया, जोड़ने के लिए कनेक्टिव दैट का यूज कर लिया। सी थर्ड पर्सन है इसलिए वैसा का वैसा आ गया। इज आर एम को वाज वर्ब में बदलना है, आईएनजी का आईएनजी यहां पे आ गया। ये एडजेक्टिव है इसलिए हमने वेरी का यूज किया है। इस तरह से ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो ये फ्रेम किए जाते हैं। इससे पहले के वीडियोज हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, पैसिव वॉइस के वीडियोज है वो कंप्लीट कर चुके हैं।